अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में बाबर आजम और सैम अयूब ने तबाही फेर दी। बाबर आजम की बैटिंग देखकर इंडिया मीडिया के सीनियर एंकर विक्रम गुप्ता ने क्या स्टेटमेंट जारी किया है, आज की इस खास वीडियो में आप दोस्तों के साथ मुकम्मल अपडेट शेयर करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता चलें कि बाबर आजम ने पहले ही मैच में 120 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसे कौन कौन से खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ा है आज बाबर आजम ने, आज की इस खास वीडियो में आप दोस्तों के साथ मुकम्मल अपडेट शेयर करने वाले हैं। और सैम अयूब ने भी आज तबाही मचा दी इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में पाकिस्तान टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज बाबर आजम और सैम अयूब की तबाह कन बैटिंग देखकर इंडियन टीम भी परेशान हो चुकी है। इंडियन टीम के सीनियर एंकर विक्रम गुप्ता क्या स्टेटमेंट जारी किया है, आज की इस खास वीडियो में आप दोस्तों के साथ मुकम्मल अपडेट शेयर करेंगे। उससे पहले आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाजमी लाइक कर देना है। दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड इंग्लैंड के दरमियान पहले ही T20 मैच में बाबर आजम और सैम अयूब ने तबाही फेर दी। बाबर आजम की बैटिंग देखकर इंडियन टीम खौफजदा हो गई। बाबर आजम ने आज इस मैच में कितनी बॉलों पर कितनी रन बनाए, आज की इस खास वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करते चले कि बाबर आजम ने 29 बॉलों का सहारा लिया और 130 रन जार डाले। आपको पता चले बाबर आजम की यह बैटिंग देखकर इंडियन टीम खौफजदा हो गई और इंडियन टीम के सीनियर एंकर विक्रम गुप्ता ने कहा कि ये खिलाड़ी आगे वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के लिए एक बहुत मुश्किलात बना रहा है, इंडियन टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बता दें आप भी बाबर आजम के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूर वीडियो।